बोली बेटा मैं जा रही हूँ और पढ़ाई करने के बाद ना अपना दूध फिनिश कर लेना। ठीक है मम्मी। ए सुन चल खड़ी होकर पोछा लगाओ। मैं क्यों लगाऊं, तुम काम वाले हो, तुम लगाओ। चलते हैं लगाओ दो चार थप्पड़ अभी। जानती नहीं तू मुझे, पहले मन्ने लड़की को कैसे गड़ा घोट का मारता, तुझे भी गड़ा घोट का मार दूंगी। नहीं नहीं आंटी मुझे मत मारो, मैं अभी पोछा लगाती हूँ। दूध की जरूरत मुझे है इसको, काम तो सारा मैं करती हूँ। ए सुन चल पोछा बाद में लगाइए, पहले मेरे लिए खाना लेकर आ जो तेरी माँ ने तेरी खत्तर बनाया। चलो खड़ी होकर क्या देख रही हैं, चल पोछा लगाओ। तेरी माँ खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। चल यहाँ बैठ तू और सुन, अपनी माँ को कुछ ना बता दिए मैं तो तेरे जान तो मार दूंगी। गोरी बेटा दूध पी लिया था? जी मम्मा दूध भी पी लिया था और खाना भी खा लिया था। मेरी अच्छी बेटी। तभी तो मैंने ये आपके लिए रखी है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, और ये लो तुम दूध पी लेना, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। अगर आज के बाद अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ बताना चाहो ना दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ? मम्मी आंटी। ए सुन चल खड़ी होकर पोछा लगाओ। मैं क्यों लगाओ, तुम काम वाले हो, तुम लगाओ। चलते हैं लगाओ दो चार थप्पड़ अभी। जानती नहीं तू मुझे, पहले मन्ने लड़की को कैसे गड़ा घोट को मारता, तुझे भी गड़ा घोट को मार दूंगी। और दोस्तों हमारी तो एक वीडियो थी, आपके पीछे आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा, इसीलिए आप कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ के ना जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो